जय श्रीमन्नारायण। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। इस वर्ष 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है, स्नान दान का क्या शुभ मुहूर्त है और उसका धार्मिक महत्व क्या है, तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा, और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। साल में पड़ने वाली 12 पूर्णिमाओं में से इसे काफी खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व होता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है। वरुणी होने से विशेष फल देती है। रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसूया तथा क्षमा कृतिका का पूजन वंदन करने से संभूत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। रात्रि में व्रतोपरांत वृषदान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। सिखों के गुरु नानक का भी जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, अतः इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ साथ दान करने से भी कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन दीपदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार वर्ष 2024 में पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। तो आइए ये सब जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से सही सही आपको बताएंगे, स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। तो प्रिय मित्रों, पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से शुरू हो रही है, जो कि 16 नवंबर वर्ष 2024 को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर वर्ष 2024 को रखा जाएगा और इसी दिन ही कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:55 से लेकर के 5:55 तक, और इसके बाद सत्यनारायण स्वामी का पूजन का समय रहेगा सुबह 6:44 से लेकर के 10:45 तक। इस दिन शाम को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 4:55 पर, और 15 नवंबर वर्ष 2024 को देव दीपावली का शुभ मुहूर्त रहेगा आपका शाम को प्रदोष काल में 5:10 से लेकर के 7:47 तक, और कार्तिक पूर्णिमा वर्ष 2024 को लक्ष्मी पूजन का समय पंचांग के अनुसार 15 नवंबर को रात्रि 11:39 से लेकर के 16 नवंबर को 12:33 तक लक्ष्मी जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ दीप दान करना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन
विधिवत पूजा करने के साथ साथ तुलसी पूजन और घर में दीपक जलाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का पर्व भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन हिंदू देवता पवित्र नदियों में धरती पर अवतरित हुए थे। इसके साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके दिवाली मनाते हैं। इसी के कारण इसे देव दिवाली कहा जाता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।